तो दिल्ली के पश्चिम बिहार में लग रहा है वाओ कार्निवल, और ये कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक है, इसकी टाइमिंग क्या है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, इसकी टिकट कितनी है, और यहाँ पे आके ना सच में बता रही हूँ यार, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। आपके 4 से 5 घंटे कहाँ जाएंगे नहीं पता चलेगा, और यहाँ पे आपको पार्किंग की भी पूरी सुविधा मिलेगी। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे यहाँ पे आपको टिकट घर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे भी बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा है कि 3 साल से बड़ों का चार्ज लगेगा, कोई भी हथियार ले जाना मना है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी वो आप पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी मछली का पोस्टर देखने के लिए मिलेगा, और ये जैसे आपको बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा है ना वैसे ये अंदर से भी बहुत बड़ा है। इसके सामने ही आपको ये शॉप मिलेगी। तो हम लोगों ने टिकट ले ली है, और एक टिकट का जो प्राइस है वो है 100 रुपये। 3 साल से कम बच्चे की टिकट नहीं लगेगी, और यहाँ पे आपको गार्ड को अपनी टिकट दिखानी है। ये क्या करेंगे, टिकट लेके फाड़ देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत से लोग अंदर टिकट ले जाते हैं और घूम फिर के दोबारा से वापस आ जाते हैं इसीलिए। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा गोरिल्ला देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें थी जिसे देख के बच्चे वहीं पे रुक जाते, लेकिन आपको यहाँ से अंदर जाना है, और अंदर जाने के लिए इस तरह से आपको रास्ता मिलेगा। पेड़ की शेप में यहाँ पे आपको लाइटें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ना अभी दोपहर हो रही है इसलिए ना इन लोगों ने लाइटें ऑन नहीं कर रखी, लेकिन शाम के वक्त बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब आप यहाँ पे बच्चों को खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि अंदर से कोई भी रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है, वो बहुत ही आगे जाके आपको देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले बच्चे यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर बच्चों को दिखने के लिए मिलेगी फिश, और वो भी बहुत तरीके की मिलेगी। पहले तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ अंदर जाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन शीशे जो आप देख रहे हैं इन शीशों के अंदर आपको छोटी बड़ी बहुत बड़ी बहुत छोटी और बहुत ही प्यारी मछली देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि सभी शीशों के अंदर एक या दो ही मछली होंगी, मतलब उन तरीके की आपको बहुत तरीके की यहाँ पे मछली देखने के लिए मिलेंगी जो बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ, देखो। लेकिन किसी किसी बॉक्स के अंदर ना ब्लू कलर की लाइट इन लोगों ने जला रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ब्लू नहीं लगानी चाहिए, इन्हें ना व्हाइट कलर की लगानी चाहिए, जिससे कि फिश जो है और भी अच्छे से दिखे। ये देखो ब्लू लगी हुई है ना, तो इसमें फिश अच्छे से नहीं दिख पा रही कि वो किस कलर में है। और इस तरफ येलो कलर की लाइट जल रही है तो ही थोड़ा बहुत ही दिख पा रहा है। तो फिर मैं आपको सारी फिश दिखाऊंगी यहाँ पे, आपको कौन कौन सी फिश देखने के लिए मिलेंगी। ऊपर से भी ये इस तरह से बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर भी और भी बहुत सारी फिश हैं। इसमें आपको येलो ऑरेंज में फिश देखने के लिए मिलेगी। देखो मेरे को ना सब फिश के नाम नहीं पता है कि कौन सी फिश है कौन सी फिश नहीं है। अगर आप लोगों को पता है ना कौन कौन सी फिश इस बॉक्स के अंदर है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मुझे भी तो पता लगे। वैसे इन लोगों को ना फिश के साइड में इनका नाम लिखना चाहिए, तो ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने कौन कौन सी फिश देखी है। और ये वही फिश है जिसे लोग खाते हैं, ग्रे कलर में जो आती है, लेकिन इसके अंदर पानी इतना ज्यादा गंदा हो रहा था कि वो ठीक से नहीं दिख पा रही थी। और इसके अंदर अब ये पता नहीं कि ये इनकी पॉटी पड़ी है कि इनके दाने पड़े खाने वाले, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था। तो हम लोगों ने अब तक की 3 तरीके की मछलियां देख ली हैं, अब आगे चलते हैं और बाकी की देख लेते हैं। और यार ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है, कैमरे पे इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन सामने से नहीं बहुत ही प्यारी लग रही है। और नीचे की साइड तो ऐसा लग रहा है कि ये फिश है भी या फिर नहीं, बस ऐसे कीड़े रेंग रहे हैं। ये देखो कितनी छोटी छोटी सी है, तो नहीं सबसे नीचे वाली तो सबसे छोटी थी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी और फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, और इसमें तो पूरी ब्लू कलर की लाइट जल रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि तो पूरा खाली है, मुझे भी यही लग रहा था। एंड में मैंने देखा कि यार इसके अंदर एक फिश है और उसको 100 रुपये देखो, मतलब ये थोड़ी सी ना मुझे डरावनी टाइप से लगी, मतलब देख होता ना खतरनाक ये मछली कैसी है, पता है। तभी इस फिश को अकेला छोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगी, जैसे जंगली टाइप में कोई मछली होती है काट लेती होगी, इसलिए इसे अकेला छोड़ा। देखो पूरे स्विमिंग पूल के अंदर ये एक अकेली मछली अच्छे से तैर रही है बस। और यहाँ पे आपको गर्मी का बिल्कुल एहसास ना हो, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा कूलर आप लोगों के लिए लगाया है। और यहाँ पे सब जगह ना आपको कोई कलर वाली दीवार नहीं मिलेगी, सब पे कुछ ना कुछ आपको बना हुआ मिलेगा। आप देख लेते हैं इस वाली मछली को, और यार ये देखो इसके अंदर भी कलरफुल मछलियाँ और काफ़ी छोटी हैं। बस इसके अंदर जैसे जैसे आप जाते जाओगे आपको अलग अलग तरीके की मछली देखने के लिए मिलेगी, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आ गए ना, तो बच्चों तो बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे यहाँ से जाने की, और यहाँ तक कि आपको भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। आपका 4 से 5 घंटा कहाँ चला गया आपको खुद को नहीं पता चलेगा, और ये काफ़ी बड़ा भी है। और अब आती है छोटी मछली से थोड़ी सी बड़ी मछली, और ये शीशे के अंदर है, और ये इतना डर रहा था उसके पास तक नहीं जा रहा था, इसको लग रहा था कि ये मछली इसको काट लेगी, इसे थोड़ी सी बड़ी। और इस मछली का मुँह देखो यार कैसा लग रहा है ना, पास से देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कैमरे पर नहीं लग रहा होगा इतना, मतलब हर तरीके की मछली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर मैंने देखा कि 2 मछली ना इसके अंदर शायद मरी ही पड़ी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही थी ना, अपने पंख जो भी है इनके पीछे ये पड़ा रही थी ना कुछ कर रही थी। 2 देखने के बाद मुझे 1 मछली और मिली, ये तो देखो जैसे ये चल रही है इस तरीके से, ये कुछ नहीं कर रही थी।
तो यहाँ पे क्या था कि दोनों ही बच्चों का नाम नायरा था, तो वो कह रही मेरा नाम भी नायरा, वो कह रही मेरा नाम भी नायरा, तो यहाँ पे दोनों नायरा नायरा मिल चुकी हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि सेम नाम के ही लोग आपको रास्ते में मिल जाते हैं और आपके घर वाले आपको नाम से बुला रहे होते हैं तो दूसरे को लगता है यार ये मेरे को बुला रहा है क्या, कई बार होता है ऐसा। और इसके अंदर छोटी बड़ी आपको दोनों ही मछली मिलेंगी। और बड़ी वाली मछली देखो यार, इसका पहले तो फेस देखो यार, कैसे इसका मुँह होंठ कैसे चल रहे हैं। ये वही वाली मछली है जिसमें जो लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर है। और इसमें पता है क्या, ये देखो मछली के ना निशान भी हो रहे थे। अब हो सकता है कि ये आपस में ही लड़ती हो मछली, तभी एक दूसरे के मार देती हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ज्यादातर मछलियों के चोटे ही देखे। कभी किसी के कुछ लगा है, कभी किसी के कुछ लगा है, तो मैंने सोचा एक बार हाथ रख के आगे आगे बढ़ा के देखते थे, क्या पता ही साथ साथ चले मेरे। तो जितनी मछली देखनी थी वो सब मैंने आपको दिखा दी है। अब बाहर आते हैं, और जैसे ही आप बाहर आओगे यहाँ पे आपको एंटिक पीस देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये कैसेट है, मेरे ख्याल से कैसेट जैसा ही सेटअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे फोटोज क्लिक करा सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये वाला देखो, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे हल्दी के फंक्शन में पूरा डेकोरेशन कराया हो। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत गर्मी लगेगी, यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने कूलर भी रखा है। अगर आप थक गए हैं ये पूरा घूम घूम के, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, फोटोज क्लिक करा सकते हैं, कुछ भी बैठ के खा सकते हैं। इसी के साथ ये देखो सामने एक छोटा सा हाउस बनाया हुआ है, ये पूरा नेट का है, तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है। और यहाँ पे नायरा भाग कर आ रही थी, जो कि गिर गई और इसके घुटनों पे इतनी जोर से लगी कि ब्लड भी आ गया। तो अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं, मुझे पता है कि बच्चे वैसे ही शैतान होते हैं, कोई जगह दिखी तो भागते हुए पहुंच जाते हैं कहीं पे भी। तो इसलिए ना यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह ना कुछ रखा हुआ है, तो बच्चों को काफी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ भी लग सकता है। और यहाँ पे भी आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, इस तरह से इसने तो अपने हाथ उठा लिए। यहाँ पे कपल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे खड़े होकर कपल्स भी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। और ये कितना प्यारा लग रहा है। जब वैलेंटाइंस डे आता है तब भी ऐसे ही डेकोरेशन की जाती है, जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, जैसे मॉल जाते हैं, किसी भी कैफे जाते हैं। फोटोज क्लिक कराने की भी आपने सारी जगह देख ली, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सेल 20 रुपीज, और यहाँ आगे भी आपको झूले भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि हर तरीके के होंगे। तो चलते हैं अब आगे और देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हर तरीके के झूले देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको मेले में देखने के लिए मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, सब आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ सेल लिखा हुआ था, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 20 रुपीज़ में सारी चीज़ें हैं या फिर कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे स्पेशली बच्चों का सामान रखा हुआ था, हर तरीके की यहाँ पे पेंसिल रखी थी, शॉर्पनर रखा था। तो एक एक करके मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये मग जैसा है, और ये है शॉर्पनर, इसका प्राइस है 20 रुपीज़। ऐसी चीज़ों को देख के ना बच्चे सच में बहक जाते हैं यार। ये देखो कैमरा, ये भी शॉर्पनर है। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये मेला सिर्फ 30 तारीख तक ही लगेगा, 30 मई। 30 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोगों को नहीं पता है या फिर अगर आप लोग नहीं गए, तो इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना यार। मैंने इसमें हर एक चीज़ दिखाई और सारी ही चीज़ बहुत ही अच्छी है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे आपको पेंसिल मिलेगी, जो हर तरीके की मिलेगी, शॉर्पनर मिलेगा जैसे हाथी वाला। और जैसे मैंने इसको उठाया ये निकल गया था, टूटा तो नहीं था। हो सकता है कि मेरे आने से पहले किसी और ने भी बस इसको ऐसे ही दबा के रख दिया हो। और यहाँ पे इयररिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने लिख रखा है सेल 20 रुपये, और दूसरी तरफ देखो यार, दूसरी तरफ लिखा है 50 रुपये। तो यहाँ पे हर चीज़ 20 रुपये की नहीं है कि दूर से देखकर आप लोग आ जाओ कि सेल सिर्फ 20 रुपये, तो 50-100 तक भी इसमें माल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रेम भी मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, पोस्टर भी मिल जाएंगे, और चार्ट भी मिल जाएगा। और भगवान जी की फोटोज भी आपको यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन है, तो यहाँ पे आपको हर एक बुक देखने के लिए मिलेगी। और ये शौकीन है BTS की। क्या चाहिए? तो ये मैडम BTS की सबसे बड़ी फैन है। इनके पास आपको टी शर्ट मिलेगी, पोस्टर मिलेंगे, बुक मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, ऐसी सेम डायरी। इसे BTS चाहिए। और वो बता रहे थे कि सेम ऐसी डायरी है उसके पास BTS वाली। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है 100 रुपये, तो यहाँ पे आपको हर चीज 100 रुपये में मिलेगी, 20 रुपये में मिलेगी। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, जल्दी का मतलब आए हम लोग 5 बजे ही थे, लेकिन 5 बजे से पहले ही आ गए थे, क्योंकि हमें इसकी टाइमिंग नहीं पता थी। तो हमें लगा था यार दोपहर में कभी भी जाएंगे ये खुला हुआ मिलेगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग 2 बजे ही आ गए थे, आप यकीन नहीं मानोगे। फिर जब 2 बजे हम लोग आ गए, तो हमने सोचा क्या करें, तो हम लोग फिर मार्केट निकल गए थे। और फिर 5 बजे हम लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे इसका फेवरेट गाना बज रहा था आ, तो वो वही बता रहा था कि मेरा फेवरेट गाना बज रहा है आ। और यहाँ पे आने की टाइमिंग है शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। इस गेम में क्या होता है, जो आप इनके हाथ में ये गोल सी चीज़ देख रहे हैं लकड़ी जैसी, बस आपको जहाँ आप खड़े हो वहाँ से आपको इन चीज़ों के अंदर डालना है, जिसके अंदर भी आप डालोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो है 100 रुपये, और 6 बार की आप खेल सकते हैं।
नाम ना पैसा ओनली ट्राई है ट्राई सर हां जा के देखो डाल जाइए उठा इसको डाल ऐसे ही बस गिनती करो इनके ऐसे 2 3 5 6 11 15 23 6 30 33 2 32 यहां पे लगा है पूरा ऊपर भी लगा होगा ऐसे अच्छा ऐसे तो अच्छा लगे मुझे तो आप आपकी करके पे डालो ऐसे करके आप ऐसे डालो के डब्बे को बंद करके आप लाके डालो पे डालो कितने रुपए का 100 हेलो तो ये बॉल वाला गेम भी आप 100 रुपए में खेल सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज लगा रखी है चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो। देखो तो अगर आप इस तरह से शाम को आओगे ना तो आपको कोई भी लाइट जली हुई नहीं दिखेगी क्योंकि रोशनी ही इतनी तेज हो रही थी। अगर आप 5 बजे के बाद आते हैं 6 7 8 9 के बाद आते हैं तो यहाँ पे आपको रोशनी ही रोशनी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोनों तरफ फायदे हैं, अगर आप दोपहर में आओगे तो आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ की चीजें, आप रात में आओगे तो आपको सबसे अच्छी यहाँ की लाइट दिखेगी। तो आप 5 बजे आइए और सीधा 9 10 बजे जाइए यार, अच्छे से घूमिए, अच्छे से फिरिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से घूमिए फिरिए, मजे लीजिए। और अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं और ना ही ज़्यादा कुछ झूले वगैरह चल रहे हैं क्योंकि अभी जब भीड़ ही नहीं तो चला के भी क्या ही करेंगे, इतनी मेहनत क्यों करेंगे, इसलिए बस शाम को ही चलाएंगे। लेकिन अगर 1-2 बंदे हैं घूमने के लिए झूला झूलने के लिए तो वो वैसे चला देते हैं। चीनी मिट्टी में प्लेट मिलेंगी, बर्तन मिलेंगे, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन में मिलेंगे, यहाँ पे छोटे वाले मिलेंगे। और यार वो सोफ़ा देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम पीस के तौर पर रख सकते हैं इसको या फिर यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। जैसे ये सोफ़ा आप देख रहे हो, सोफे में हम क्या रखेंगे, मुझे लगता है कि ऐसे ही रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की 2 बत्ती जलाने के लिए मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, अलग अलग तरीके के कप मिलेंगे, कॉफी मग मिलेंगे, यहाँ तक कि हैंड वॉश की अलग बोतल भी मिलेगी देखने के लिए, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक बार भूत जैसा माहौल लेकर आए तो आप जा सकते हैं, उसकी टिकट आपको 100 रुपए में मिलेगी। यहाँ पे बच्चों के झूले स्टार्ट हो चुके हैं देखो यहाँ पे ना, लेकिन अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लोगों ने अपनी शॉप खोल तो ली है। और यहाँ पे अगर जो लोग खाने पीने की चीजें बना रहे हैं वो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, और इन झूलों में भी 1-2 लोग ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ज्यादा लोग नहीं है। तो इसे भी हमने इस कार के ऊपर बिठा दिया है, तो अंकल ने कुछ ज्यादा ही जोर से कर दिया था, इसका फेस देखिए ऐसा लग रहा है ये खो गया है एकदम, क्योंकि इतनी स्पीड में जा रही थी ना तो ये एकदम बस गोल 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 घूमा ही जा रहा था, लेकिन ये उतर नहीं रहा था। और एक बच्चे का जो झूलने का जो प्राइस है इसमें भी 100 रुपये ही है, तो यहाँ पे इसको उतार देते हैं क्योंकि एकदम खो गया था। तो यहाँ पे आपको 20 रुपये की पानी की बोतल जो होती है यहाँ पे 30 रुपये की मिलेगी। तो हमने अंकल से पूछा 30 रुपये की क्यों उधर, जब 20 रुपये की आती तो कहेगी ये ब्रांड की है ना, अभी ने बताया पानी की बोतलें भी ब्रांड में आने लग गई हैं। और यहाँ पे आपको यार ये सॉफ्ट मिलेगी 100 रुपये की, जिसमें ये आपके साथ खेल खेलेंगे, आपको खेलना तो आप भी खेल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर और कौन कौन, मतलब जो ये आइसक्रीम देते हैं कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से बोर्ड भी लगा रखा, आप चौथा नाम सर्च करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गोल गप्पे जिन्हें पटाखे और पतासे बोले जाते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है ज्यादातर ये आपके पीछे ही पड़ के रह जाएंगे, खेलो खेलो, अगर आप नहीं खेलोगे तो बच्चों के हाथ में वो चीज थमा देंगे कि अगर वो एक बार तो खेलेगा तो आपको उसको पूरा पैसे देना होगा। 100 रुपये में आप ये 10 बार खेल सकते हो। हम बार बार भैया से कह रहे थे कि बच्चा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो दिवाली पे बंदूक मिलती है जिसमें हम छोटे छोटे से पटाखे डालते हैं, ये उसे नहीं चला पाता, ये इतनी बड़ी बंदूक को कैसे चला लेगा, लेकिन फिर भी उसको जानबूझ के हाथ में दे रहे थे ये। अब यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे इयर रिंग्स हो, रिंग हो या कुछ भी, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगी 100 रुपये की एक जोड़ी। और ये ऊपर वाले जो इयर रिंग्स आप देख रहे हैं ये आपको मिलेंगे 50 रुपये। इनको देख के यार मुझे सरोजनी की याद आ गई, सरोजनी मार्केट में आपको ये 30-30 रुपये में देखने के लिए मिलेंगे। फिर से बोल, ड्रीम कैच। ओ तो इसको बोलते हैं ड्रीम कैच। तो ये आपको मिलेगा 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का। तो ड्रीम कैच कितना बड़ा है उस हिसाब से ही आपको यहाँ मिल सकते हैं। और ये देखो काली पीली ज्वेलरी भी लटकी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे गंदी लगी हुई है, लेकिन उसका कलर ही ऐसा है क्या करें। यहाँ पे आपको नेकलेस वगैरह भी मिल जाएंगे, इनका प्राइस है 100 रुपये, 50 रुपये। कुछ भी चार ले ले, चार अच्छा लेगा। कितने का लिया? 50 का। एक है, दो है, एक। अब क्या करेगी इसका क्या करेगी?
तो पोस्टर आप यहाँ से कोई सा भी लोगे वो आपको 50 रुपये का मिलेगा। तो हमने बोला था 25 रुपये में लगा लो, दो ले लेंगे 25-25 रुपये का। अंकल ने कहा नहीं 50 रुपये का, तो 50 रुपये का एक पोस्टर लिया था। तो हमने पूरी जगह घूम ली फिर ली और मैंने आपको भी सब कुछ दिखा दिया। तो इसने ये एक पंखा और लिया है, इसका प्राइस है 20 रुपये। और अब यहाँ पे लाइटें जलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे करके शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है और भीड़ भी आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ ये देखो अभी तक कोई भी नहीं था, अब यहाँ धीरे धीरे करके भीड़ आनी शुरू हो गई, झूले भी चलने शुरू हो गए क्योंकि जब ये चलेंगे तभी तो लोगों के मन मोहक तक ये पहुंच पाएगा। और ये देखो बच्चे भी यहाँ पे झूल रहे हैं प्लेन में। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे करके रौनक बढ़नी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको सूट मिलेंगे चिकन करी के, लेकिन जो आपको घर के पास की मार्केट में मिलते हैं उससे डबल रेट में यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुर्ती भी मिलेगी और पूरा सेट भी मिलेगा। अगर आप पूरा सेट लेते हैं जैसे कि ये स्काई ब्लू वाला, ये आपको मिलेगा 1600 रुपये का। इसके साथ आपको प्लाजो मिलेगा। अगर आप सिंगल कुर्ती लेते हैं तो वो आपको 800 या 900 रुपए की मिलेगी कुर्ती। यहाँ पे आपको सिंगल में भी मिलेगी, डबल शेड में भी मिलेगी और हर कलर में मिलेगी। बस ये ना थोड़ा से दाम ज्यादा बता रहे हैं, और यही कुर्ती आपको अपने पास के मार्केट में थोड़े से कम रेट में मिल जाएगी। तो ये लीजिए, हम पूरा मेला घूम के आ चुके हैं, दोपहर से शाम भी हो चुकी है और ये गोरिल्ला यहीं पे बैठा हुआ है, अपने हाथ पैर अभी तक चला रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यार, ये इतना भारी है और ये इस पर टिका कैसे, ये अभी तक नीचे गिरा क्यों नहीं है। तो इसको हाथ पैर पटकने देते हैं ताकि और भी बच्चे आके देख लें। और यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है, ये देखो काउंटर पूरा फुल है इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी आपको टिकट मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड ज़्यादा भीड़ है तो एक साइड ही मिलेगी, यहाँ दो जगह आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आप बाइक कार जो जिससे भी आप आते हो, यहाँ पे पार्किंग की भी आपको यहाँ पे सुविधा देखने के लिए मिलेगी। और ये देखो भीड़ आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि रात के समय ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे बच्चों को खिलौने दिख गए अपने फेवरेट, तो यहाँ पे आप वो ये ले रहे हैं। बच्चे आपके साथ हों और वो खिलौने ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने तो यहाँ पे हीरोज़ ले लिए हैं और ये इसका इतना बड़ा शौकीन है, इनने यहाँ पे ये फ़ोन लिया है, फ़ोन मिला है 50 रुपये का। इसके हीरोज़ मिले हैं 70 रुपये के। और ये देखो यार कितनी बढ़िया लाइट जल रही है, सारी ट्यूबलाइट लगी हुई है कलरफुल। और अब फिर से यहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे थे और ये और भी ज़्यादा रात का समय है। और ये देखो कितनी ज़्यादा शाइन कर रही हैं इसकी जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। आप खुद जाइए, बच्चों के साथ जाइए, सबको बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। अगर आप नहीं गए, इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा, टिकट कितने की है। खैर आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।